हमारी हालत जो है उसी तरह हो गई है कि खड़े हैं बीच मझधार में, आगे है बैल पीछे है साढ़, अब चेहरा बचाऊं या गांड, उसी हालत में हम लोग फंसे हुए हैं। लेकिन एक अच्छी जो राहत वाली खबर है इस बीच, वो भी ये भी है कि जो हमारी गांड फाड़ने की मुहिम थी धाकड़ न्यूज की, उसकी वजह से जो कोरोना के केस है उसमें लगातार कमी आई है, तो ये अच्छी बात है। अब मंकी पॉक्स के लिए भी हम अपना अभियान चलाएंगे, और उसके लिए हमने जो रिसर्च है उससे पता चला कि जो मंकी पॉक्स है वो लगातार उस संभोग करने से फैल रहा है। जो मंकी पॉक्स है वो फैल रहा है, लेकिन हम लोग को इस बीमारी से बचना भी है, तो उसमें बचने है तो उसके लिए सब बंद करना होगा। आज ले बंद कर देंगे सब, गर्लफ्रेंड वाइफ सब छोड़ देंगे, आज मना कर दीजिए। देखिए, ये हमारी आज की जनरेशन है जो कि मंकी पॉक्स जैसी घातक बीमारी को रोकने के लिए इस तरह का यहाँ पे जो है सब अपना योगदान दे रहे हैं, और कुछ भी संभोग से रिलेटेड चीज नहीं करेंगे, नहीं करेगा ना जी। जी इस तरह की बात है, बहुत बढ़िया, हम बहुत ही खुश हैं जो गाँव के लोग हैं। एक देखिए, एक और चाचा जी हैं, इनसे बात करते हैं जी कि मंकी पॉक्स नाम की बीमारी है, आप इस सब में रोकने में कैसे सहयोग दीजिएगा? अरे सर, हमारे पास सामान है, फेंक दे रहे हैं। कौन सी सामान है, क्या फेंकिएगा? अरे साला, ये तो भैंसो पूरा अथी रखा है जी, ये डॉक्टर डॉटेड वाला रखा है। ए जियो, ये देखिए जो इनके पास खत्म जो भी सामान था इनका, जो भी अपना रखे थे सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट, सब अपना फेंक दिया है ना जी। ये जो युद्ध है मंकी पॉक्स के खिलाफ, इसमें असली सिपाही जो आप देखिए यही है, इस तरह।